भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड का सामना किया। इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट से पहला टी20 मैच हारने के बाद भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में दूसरे मैच में 2 बदलाव किए, क्योंकि उन्होंने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को बाहर किया था और ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को मौका दिया था। इसी के साथ ये तय हो गया कि सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को मुंबई इंडियंस अगले साल के आईपीएल में रिटेन नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वन क्रिक। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जिसपे आप पैसे लगा के जीत सकते हैं, जैसे कि कसिनो हो गया, लॉटरी हो गया। सिर्फ इसमें आपको नॉर्मली रजिस्टर करना है और दोस्तों, जैसे आप रजिस्टर होते हैं आपको 100 से लेकर 1000 का बोनस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स को इस ऐप के लिए रिफ़र भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका फ्रेंड भी अगर किसी को रिफ़र करेगा उसके पैसे भी आपको मिलेंगे, यानी कि एक चेन की तरह आपको रिफ़र अमाउंट मिलता रहेगा। दोस्तों, यहां पे विड्रॉ करना भी काफी आसान है, सीधे पैसे आपके बैंक में आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। दरअसल, जैसे ही सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया, वैसे ही वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए। किशन ने शानदार 56 रन की पारी खेली जबकि सूर्यकुमार यादव की पारी नहीं आई। इसी के साथ ही मुंबई इंडियंस की मुश्किलें सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने डेब्यू करते ही बढ़ा दी है। ये मुश्किलें ऐसी हैं कि सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन आईपीएल 2022 में अन्य टीमों के लिए खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगले साल की आईपीएल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई मेगा ऑक्शन आयोजित कर सकती है। टूर्नामेंट को बढ़ाने के कारण बीसीसीआई को मेगा ऑक्शन आयोजित करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में 2 और टीमें शामिल हो रही हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस इन दोनों खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर पाएगी। आईपीएल के रिटेंशन नियम के हिसाब से एक आईपीएल फ्रेंचाइजी 3 ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, लेकिन आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड के जरिए एक विदेशी और एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी आईपीएल ऑक्शन में रिटेन किया जा सकता है। ऐसे में इस सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ही रिटेन करेगी और ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को ऑक्शन में भेजा जाएगा।